Hooke's law is most easily verified for springs. It can be clearly seen that the extension of a spring increases proportionally to the force that causes the extension. Hooke's law for springs is most frequently presented as F equals K times delta X, where K stands for the spring constant, representing stiffness. This property of springs is used both in force gauges and in spring balances. Hooke's law is most easily verified for springs. मैं दोबारा मैंने ऑन करके ऑफ किया चेक करो ग्रेडियंट जो है वो पहले बताते ना मैं असल में थोड़ा सा चेंज कर रहा था तो अगर कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे बता देते शुरू से बता दो तो वो देखो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आज ये बताया मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है हुक्स लॉ का टॉपिक है इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ में चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन और के का मतलब है फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सटेंशन ये पहले कॉपी कराया था और उसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर के की वैल्यू आप निकालते हो तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है अगर के की वैल्यू ज्यादा आए तो उसका मतलब होता है कि स्प्रिंग हार्ड है और अगर के की वैल्यू कम हो तो उसका मतलब है के जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू ट्वेंटी है तो ट्वेंटी का मतलब है ट्वेंटी न्यूटन फॉर वन सेंटीमीटर फिर मैंने ये ग्राफ के बारे में बताया और के लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ है और इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ग्राफ का ग्रेडियंट है ये मैंने कहा था कॉपी करना है अगर आप उस वक्त आवाज का मसला आ रहा था तो एक तो कभी भी ऐसा हो तो मुझे फॉरन व्हाट्सएप पर या चैट पे बताओ सबसे अच्छा है तो ये ग्राफ कॉपी होगा अगर कॉपी हुआ हुआ है तो मुझे अपडेट कर दो फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो मटेरियल स्टिफ है और अगर के की वैल्यू कम है तो मटेरियल सॉफ्ट है ये चीज रिवर्स भी होगी अब हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नहीं वो स्टिफ वाले ग्राफ को कॉपी करने की जरूरत नहीं है हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अब ये अपरेटस कैसा है देखो कि एक मीटर रूल है उसके साथ एक स्प्रिंग लगा दो एक मीटर रूल है उसके साथ स्प्रिंग लगाओ नीचे एक हैंगर लगा दो इसमें लोड लटकाते जाओ रखते जाओ तो जब तुम इसमें लोड रखोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा आप इसकी इनिशियल लेंथ मेजर कर लो आप इसकी इनिशियल लेंथ मेजर कर लो और फिर इसमें लोड रखते जाओ और एक्सटेंशन आती जाएगी फिर एग्जांपल है जैसे आप इसमें इनिशियल लेंथ जब निकालोगे तो इनिशियल लेंथ वो होती है जो अनस्ट्रेच हो सबसे पहले वो निकाल लो और फिर इसमें लोड लटकाते जाओ फॉर एग्जांपल तुम लोड को फाइव फाइव करके इंक्रीज कर रहे हो पहली जो एक्सटेंड जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2 है फिर 4 हो गया फिर 6 हो गया फिर 8 हो गया इस तरह 2 2 करके इंक्रीज करा आखिर में आकर इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा तो तुम 4 को 2 में से माइन पहले 0 आएगा एक्सटेंशन 4 को 2 में से माइनस करो 6 में से 2 माइनस करो 8 में से 2 माइनस करो इस तरह माइनस करते जाओ तो यू विल बी गेटिंग एक्सटेंशन तो दो चीजें नोट करो एक तो है लेंथ और दूसरी है एक्सटेंशन एक तो लेंथ है और दूसरी है एक्सटेंशन तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम लोड लटकाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एक्सटेंशन है वो आती जाती है फिर हम दो तरह के ग्राफ्स डिस्कस करते हैं एक है लोड अगेंस्ट लेंथ लोड अगेंस्ट लेंथ और दूसरा है एक्सटेंशन के साथ जो ओरिजिनल हाँ, अगर आप एक्सटेंशन पे प्लॉट करोगे तो ओरिजिन से पास करेगा अब आपको आ, ये heading है ठीक है और उसमें साइड हेडिंग दो ऑपरेटर्स और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करो ऑपरेटर्स में जब आप लोग ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो तो मुझे बता देना जब आप लोग कॉपी कर लें देखो जब आप लोग कॉपी कर लो तो मुझे अपडेट कर दो ठीक है जैन आप भी बता दीजिएगा वंस कॉपी ठीक है साइड एडिंग दीजिएगा साइड रीडिंग दीजिएगा वर्किंग और उसमें लिखिएगा अरेंज द अपरेटर्स शोन arrange the operators as shown find the unstretched length find the unstretched length उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करो अब लिखो के ग्रेजुअली ग्रेजुअली एड सम इन दैन ग्रेजुअली एड सम लोड इन दैन In the pen, note the extension, <clears throat> note the extension. So, अब तुम देखो कि हमने उसमें लोड पुट करते जाएंगे और एक्सटेंशन निकालते जाएंगे अब इसमें दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं एक बनता है लेंथ अगेंस्ट एक बनता है लेंथ अगेंस्ट लोड का वो ओरिजिन से नहीं गुजरता और दूसरा बनता है एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड का वो ओरिजिन से गुजरेगा तो अब तुम पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो ठीक है अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा अच्छा इसके बाद अब तुम ये वाला ग्राफ कॉपी करो नहीं वो तो आखिर में होगा जैन के जब तो मैं स्ट्रेच करते जाओगे तो डेफिनेट बात है वो खत्म हो जाती है, है, है इसलिए ग्राफ हम स्ट्रेट ही दिखाते हैं ये सही है इनशाला अगर आप लेवल में फिजिक्स रखते हो तो देखोगे कि आगे जाकर ये ग्राफ बेंड करता है चलो आप हेडिंग डालो दो लाइनें छोड़कर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स Hmm. अब ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का ये क्या टॉपिक है कि बहुत सारी चीज़ों में हम ज्यादा स्प्रिंग्स लगाते हैं जैसे मैट्रेस होता है उसमें बहुत सारे स्प्रिंग्स होते हैं हम लोग जब कोई इस तरह का वर्कआउट का सेटअप बनाते हैं उसमें भी स्प्रिंग्स होते हैं तो बहुत सारी चीजों में मल्टीपल स्प्रिंग्स होते हैं जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें भी एक से ज्यादा स्प्रिंग्स होते हैं हम जब स्प्रिंग्स लगाते हैं तो उनको जोड़ते वक्त वही रेजिस्टर्स की तरह हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स ये चीज हमारा आज का अगला टाइटल है ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा एंड आई एम जस्ट कमिंग इसको कॉपी करिएगा अब पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन यह कि तुम स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ दो जब आप स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है है वो कम हो जाता है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है फॉर्मूला वन अपॉन के साथ बनेगा जब आप स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है और उससे जो स्प्रिंग बनता है वो सॉफ्टर होता है ये वाली स्क्रीन कॉपी करो जब आप इसको कॉपी कर लो तो मुझे अपडेट कर देना प्लीज जब हम स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो स्प्रिंग्स सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम हो जाता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके बाद अगर आप इसको पैरेलल स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ें जब आप स्प्रिंग्स को पैरेलल में जोड़ते हैं जैसे मैट्रेस होता है घरों में उसमें जो या गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये पैरेलल में होते हैं

जब हम स्प्रिंग्स uh, को पैरल में लगाते हैं तो लोड डिवाइड हो जाता है जब पैरल कॉम्बिनेशन बनता है जैसे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जैसे हम लोगों के घरों में मैट्रेस होते हैं ये बेसिकली उस पर होते हैं दे आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरल कॉम्बिनेशन पैरल में स्प्रिंग हार्ड हो जाते हैं सिस्टम हार्ड हो जाता है और उसकी जो एक्सटेंशन है वो कम हो जाती है तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें नहीं उनमें दोनों ऑप्शन बनाते हैं जो जो हार्ड मेट्रेस होते हैं उनमें स्प्रिंग्स को सीरीज में भी जोड़ते हैं और उनमें पैरल में भी जोड़ते हैं वैसे जो हार्ड मेट्रेस तो कम होते हैं जो एक्सरसाइजिंग मेट्रेस होते हैं जंपिंग कैसल की तरह उसमें मटेरियल भी और तरह का होता है वैसे रूल ये स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा पैरेलल में जोड़ेंगे तो हार्ड होगा अब देखो कि कॉन्सेप्ट बनाओ अगर एक स्प्रिंग है तो उसकी स्टिफनेस है के अगर दो स्प्रिंग सीरीज में हो तो जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगा अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में हो तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी इसको कहते हैं कंबाइंड सर्किट इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है दिस इज कॉल्ड कंबाइंड सर्किट तो नंबर थ्री डालकर ये कॉपी करिएगा चलो अब एक सवाल कर लेते हैं फ्रॉम टू स्प्रिंगल ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग इज एक्स आप पहले क्वेश्चन गौर से पढ़ लो फिर हम इसके ऑप्शंस रखते हैं सामने अब देखो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखता हूं। हमने पहले उनको पैरल में जोड़ा जब हमने उनको पैरल में जोड़ा तो उनकी एक्सटेंशन थी एक्स फिर हमने उनको उतारा और उतार के सीरीज में जोड़ दिया अब ये पूछ रहा है कि बताओ अब एक्सटेंशन कितनी होगी ए और बी दो ऑप्शन है इसका आंसर है डी देखो पहले इस बात को नोट करो कि जो स्प्रिंग्स हैं उनमें एक्सटेंशन है एक्स ये लोड एल है तो लोड आधा हो गया होगा एल अपॉन टू

चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर सजेस्ट करो मैं इसमें बना देता हूं। जब आप नाइनटी न्यूटन लटकाओगे तो सब पे हाफ हाफ हो जाएगा जो सब पे चला जाएगा। पंद्रह न्यूटन ने एक्सटेंशन कॉस्ट की थी सिक्स तो थर्टी न्यूटन उसका डबल है तो वो कॉस्ट करेगा ट्वेल्व इसमें भी ट्वेल्व होगा इसमें भी ट्वेल्व होगा चलो अब ये समरी कॉपी करो इसके बाद पेज बदल दो इसके बाद पेज बदल दो और हेडिंग डालो टर्निंग इफेक्ट और फोर्सेस ये वाली हेडिंग डालो दिस इज अ न्यू चैप्टर सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन रख लेते हैं, लिखो के वेन फोर्स हेडिंग डाल के लिखो वेन फोर्स एक्स ऑन अपेवेटेड ऑब्जेक्ट वेन वेन फोर्स एक्स ऑन अवेटेड ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ रोटेशन

रोटेशन सो so, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं अगर मैंने गलती से एक्सटेंशन बोल दिया वेन फोर्स एक्स ऑन एन ऑन अटेड ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस आर रोटेशन दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट चलो अब हेडिंग डालो मोमेंट इसका सिंबल है कैपिटल एम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रखते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ये बेसिकली क्या है इट द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कि फोर्स लग रही हो वहां से तुम डिस्टेंस लो वहां से तुम डिस्टेंस लो पिवट तक तुमने इसको पिवट किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर तो जहां फोर्स लग रही है वहां से पेविट तक का डिस्टेंस लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो ये चीज कहलाती है दिस इज कॉल्ड मोमेंट तो मोमेंट इज द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पेविट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कॉपी कर लो उसके बाद ये वाली डायग्राम बनाओ देखो अब हम इसमें दिखा रहे हैं कि एक कोने पर फोर्स लग रही है और देर इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अब इसका फॉर्मूला वर्ड फॉर्म में और उसकी यूनिट कॉपी होगी मोमेंट एक वैक्टर होता है आई एम जस्ट कमिंग आई एम जस्ट गोइंग फॉर नमाज एंड आई एम कमिंग बैक इन शॉर्ट टाइम आप इसको कॉपी करें देखो इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है और मोमेंट जो होता है वो वेक्टर है एज अ वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो न्यूटन मीटर वर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है और मोमेंट के लिए भी लेकिन जब ये वर्क में आता है न्यूटन मीटर तो फिर हम इसको बना देते हैं जूल और जब ये खाली टर्निंग इफेक्ट में आता है तो फिर ये जूल नहीं बनता और जूल क्यों नहीं बनता क्योंकि असल में जो जो टर्निंग इफेक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है अब हम सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं देखो जब तुम मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो तुम लेते हो फोर्स लेकिन फोर्स वो होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर हो और तुम लेते हो डिस्टेंस और तुम उसको मल्टीप्लाई कर देते हो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन फॉर मोमेंट अगर अगर एक एंगल पर फोर्स लग रही हो तो फिर क्या करते हैं डिस्टेंस वो वाला लेते हैं जो के परपेंडिकुलर हो यानी ये तुम देख सकते हो ये वाला तुम इसको नहीं लोगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है अब तुम उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करो जब भी आप मोमेंट कैलकुलेट करोगे आपको हमेशा जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर रखना होगा देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि पेविट से जितना दूर होकर आप फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा ये जो लंबे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं गाड़ी के पंक्चर होने पे जो स्क्रू जैक लगाते हैं क्रेन्स के लंबे लंबे आर्म होते हैं सब इसी रूल को फॉलो करते हैं देखो ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पेविट

ठीक है अब लिखो फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर स्क्रू जैक and cream चलो फिर हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं आप एक हेडिंग डाल दो अह रेफरेंस के लिए एक हेडिंग डाल दो हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे इसकी ये वाली हेडिंग डाल दो फिर आज का काम खत्म है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अल्लाह हाफिज़